भाई किलर मूवी बताता हूँ इरफान खान की, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। होता कुछ यूं है फिल्म में कि इरफान खान एक नॉर्मल सा बंदा होता है और जब भी ऑफिस से घर जाता है तो उसकी बीवी सो चुकी होती है और उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा उदासी से भरी हुई होती है। फिर इरफान खान की हालत देख के उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुम एक काम करो कि एक दिन जल्दी घर जाओ और अपनी बीवी को सरप्राइज दो, तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। फिर वो क्या करता है कि एक दिन वो जल्दी से अपने घर चले जाता है और जाके खुद सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ उसके घर में होती है। तो भाई ये देख के इरफान खान का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है और फिर उनकी इतनी ज्यादा हट जाती है कि वो उस बंदे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और अपनी जरूरत के सारे पैसे उससे लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ब्लैकमेल की बात जो है कुछ लोगों तक फैल जाती है तो और वो लोग जिन तक ये बात पहुंचती है वो लोग इरफान खान को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि भाई ये स्टोरी में वो क्या रहा है। तो इस मूवी का नाम है ब्लैकमेल और ये 2018 में आई थी और जिस तरीके की सीरियस मूवी और कहानी है ना और इसमें जिस तरीके से उन्होंने एक मैच्योर ह्यूमर डाला है ये इस फिल्म को बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाती है सबसे। तो भाई सोचिए मत, जाइए और फिल्म देखिए और फिर बताइए कि कैसी लगी।